पुलिस ने रोक लिया, पुलिस फोटो खींच रहा है। भाई सुपर बाइक का ये लोग भी फैन है। तो सीन कुछ ये हुआ कि यहाँ पे नाका चेकिंग चल रहा था और हम लोग को लाउड नॉइज सुन के यहाँ से बहुत सारे सुपर बाइक जा रहा था, तो ऐसे पुलिस के सर्जन ने रोक लिया। मुझे सच में सीन लग रहा है ये पूरा, कि धूम के बाइक से ऐसे चोरी करके जो भागते हैं वो वाला सीन पूरा एकदम माइंड में आ रहा है मेरा। थोड़ा सीन हो चुका है, सीन ये हुआ कि लोग राइड करके आ रहे थे यहाँ से, तो क्या हो गया कि अचानक से ऐसे ब्रेक में ऑलराइट, तो सुपर बाइक्स के देखिए पूरा लाइन लगी हुई है यहाँ। अरे 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 गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं आज राइड के लिए। फर्स्ट UBK का ऑफिशियली ग्रुप राइड है सुपर बाइक्स का, बहुत सारी सुपर बाइक्स आने वाली है वहाँ पे, मैं आपको सब दिखाऊंगा कौन कौन सी सुपर बाइक्स है। अप्रॉक्स 20-30 तो रहेगी वहाँ लाइन अप में। और चलिए अब सीधा वहीं पे मिलते हैं आपसे और दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या वहाँ पे मस्ती होने वाला है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सुबह सुबह ही हम लोग ने सनराइज़ होते होते हुए निकलने का प्लान किया। और वीडियो को मैं सच बता रहा हूँ काफ़ी क्लियर कट रखने वाला हूँ, ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग का, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ जिससे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ राइडिंग के दौरान। तो सामने आप लोग देख सकते हैं एक ZX10 आ रहा है, Z900 है, उससे थोड़ा आगे आप देख सकते हैं जॉय भैया राइड कर रहे हैं, जो कि ZX14 आ रहा है जो कि सेल के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ मेरे चैनल पर है। तो हम लोग सब अभी जा रहे हैं सीधा अभी डानकुनी टोल प्लाजा की तरह, वहाँ पे सब लोग ऐसे मिलेंगे। पूरा ग्रुप नहीं आएगा, पूरा ट्रूप आएगा आपका वहाँ पे। भाई Z900 साउंड सुनिए लाउड एंड लाउड, जस्ट लव इट मैन। और ये अचानक से हम लोग को पुलिस ने रोक लिया, पुलिस फोटो खींच रहा है। भाई सुपर बाइक का ये लोग भी फैन है। तो सीन कुछ ये हुआ कि यहाँ पे नाका चेकिंग चल रहा था और हम लोग को लाउड नॉइज़ सुन के यहाँ से बहुत सारे सुपर बाइक जा रहा था, तो ऐसे पुलिस के सर्जन ने रोक लिया, पूछा कि क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या बात है। तो वो लोग जॉय भैया ने बताया कि हम लोग का राइड है ये है, और वो लोग ने पूरा देखा सेफ्टी गियर्स के साथ है, हम लोग राइडिंग का ग्रुप है हम लोग का। तो वो लोग देख के बोले कि सुपर बाइक है, बहुत हाई पिकअप गाड़ी है, थोड़ा आप लोग आराम से चलिए, इसको सेफली राइड कीजिए, चलिए बेस्ट ऑफ लक बोल के हम लोग को जाने दिया वो लोग ने। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सुपर बाइक्स दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं पीछे मैं दिखाया हूँ जैसे इधर भी। तो अभी मेन जाएंगे हम लोग यहाँ से आज़ाद हिंद ढाबा, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ वहाँ पे सुपर बाइक की लाइन अप। वहाँ पे आप बताइएगा मुझे कि कौन से सुपर बाइक मिसिंग लगी कमेंट सेक्शन में सिर्फ। चलिए, और जो रास्ते में अभी ज़्यादा टाइम जो लोग फ्लाई बाई मार रहे हैं या फिर कुछ अच्छा रहेगा तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और जल्दबाजी में मैं सुबह में घर से GoPro लाना भूल गया, अपना एक्शन कैमरा लाना भूल गया, तो राइडिंग के दौरान कैप्चर नहीं कर पाता। मेरा जो भाई पिलियन में बैठा हुआ है वो कैप्चर कर रहा है, तो अच्छा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं पीछे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऑब्वियसली एक राइडिंग ग्रुप जब रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे सब लोग एक साथ मीटअप होते हैं, एक ब्रदरहुड क्रिएट करता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के मुझे। बाइक्स भी एक यूनिटी क्रिएट करता है, और ऐसे भी ये UB के ग्रुप है, यूनाइटेड बाइकर्स लोग का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली नाम ही यूनाइटेड है। तो जा रहे हैं अभी आधा दिन ढाबा की तरफ। यार सच बताओ भाई, मुझे
सच में सीन लग रहा है ये पूरा, कि धूम के बाइक से ऐसे चोरी करके जो भागते हैं वो वाला सीन पूरा एकदम माइंड में आ रहा है मेरा। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, सीरियसली बता रहा हूँ आप लोग को। मुझे तो अरे भाई एडवेंचर टूरर, अरे यार ये क्या हो गया राइट के दौरान, चीज़ें ये हुई। मैं आसपास से पता चला कि भैया आ रहे थे 120-130 के स्पीड में थे, और अचानक से बीच रास्ते में इनके सामने का ब्रेक ऐसे अपने आप लग गया, मतलब अपने आप ब्रेक लग गया पता नहीं कैसे, और गाड़ी पूरा स्टॉप ही ऐसा रुक गया वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि वो तो अच्छा हुआ भैया बहुत ज़्यादा लकी थे कि पीछे कोई ट्रक नहीं था, वरना सीधा उड़ा देता उनको। तो अभी उसको बाइक को सब लोगों ने खींच खाँच के रास्ते में लेके आया, मैं थोड़ा पीछे था इसलिए कैप्चर नहीं कर पाया एक एट द मोमेंट इंसिडेंट जब हैपन हुआ, लेकिन मैं भैया के साथ ही मतलब हम लोग साथ साथ में ही राइड कर रहे थे। तो ये हो गया सीन, काफ़ी ख़राब लग रहा है ये। अभी सामने का व्हील एकदम पूरा लॉक हो चुका था, लोग टानने वाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ताकि ये हुआ, और ऐसे टान वान के सब लोग ने साइड किया इस बाइक को। सामने का ब्रेक पूरा डिस्क ब्रेक लॉक हो चुका है, थोड़ा पंप भी करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। तो 6000 में ऐसे प्रॉब्लम हो गया, इसी कारण से रुकना पड़ा हम लोग को। हो गया GSX में डिस्क ब्रेक सामने का लॉक हो चुका है। राइड के दौरान ऐसा कुछ बीच में हो जाता है तो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सब लोग ऐसे बहुत राइडिंग मतलब यूनिटी है, यूनिटी में कुछ होने सबको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए सब लोग देखो सब लोग भीड़ लगा के यहाँ पे रुक गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, एक जन को प्रॉब्लम है सब लोग ऐसे साथ में रुके होते हैं। रुक के वो बाइक तो आगे जा नहीं सकती क्योंकि बाइक का चक्का सामने का फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक लॉक हो चुका है, मुझे लग रहा है सब कुछ वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ करने का नहीं है, वो मशीन ही है, ख़राब हो ही सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ी हो ही सकती है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम टेक्निकल इशू आ ही सकते हैं। एनीवे चलो हम लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं राइड, सब लोग जा रहे हैं देख सकते हैं मेरे पीछे, लोग वापस में निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग भी थोड़ा चलते हैं सीधा मिलते हैं ऐसे आज़ाद हिंद ढाबा की तरफ। ख़राब लग रहा है भैया के लिए कि ऐसा हो गया, बहुत खुशी के साथ मैं देख रहा था सुबह से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे राइड को लेकर। राइड यहाँ से कैसे कंटिन्यू होगा क्या होगा वो आवेश भैया लोग देखेंगे, हम लोग फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। स्ट्रगल के बाद फाइनली GSX ठीक हो चुकी है, आवेश भैया ने हेल्प कर दिया, थोड़ा लॉक हो गया था डिस्क। चलिए अभी हैप्पीली हम लोग के साथ भी ये फिर से राइडिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो पीछे हो गया थोड़ा, अभी सीधा चलते हैं आगे। तो चलिए फाइनली भैया का तो ठीक हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो लोग अरे ये एडवेंचर टूर निकल रहा पास से, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया का ठीक हो गया सच में, वरना कुछ भी राइडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है ना बहुत ख़राब लगता है, पूरा राइडिंग का थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो चलिए अभी सीधा क्लियर कटली मैं दिखाता हूँ थोड़ा ये व्यू आपको, थोड़ा सा हल्का राइड का, और सीधा अभी मैं जाऊँगा आज़ादी ढाबा पे, और वहीं पर आप लोग को दिखाऊँगा सुपर बाइक सब। एडवेंचर टूरर है सामने, और वो GSX वाले भैया है हमारे बेचारे जिनका थोड़ा सीन हुआ था थोड़ा पहले, काफ़ी बहुत प्लीजेंट मौसम है, बहुत बहुत अच्छा सुबह का व्यू भी है। ओ आया गुस्सा व्हाइकल, ओ भाई कट क्या, ओ लवली भाई, इम्प्रेस आई एम जस्ट गॉट इम्प्रेस मैन। चलिए बात नहीं करता हूँ सीधा आपको मिलता हूँ हजार जिंदा बंद।
ऑलराइट, तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग आज़ाद हिंद ढाबा। अप्रॉक्स 55 किलोमीटर का राइड था वहाँ से, और पीछे देख सकते हैं काफ़ी सही प्लेस है बाइकर्स लोग के लिए, चेकआउट करने के लिए, थोड़ा हैंग आउट करने के लिए टाइम। अच्छा लग रहा है कि इतना दिन बाद, कोरोना होने के बाद यहाँ पे सब लोग ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, और बात करें अभी सुपर बाइक्स का, तो चलिए और सुपर बाइक्स में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी सुपर बाइक्स है यहाँ पे आई हुई है, सेल के लिए नहीं, ऐसा राइड के लिए आई हुई। ऑलराइट, तो सुपर बाइक्स के देखिए पूरा लाइन लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार एक साथ इतना सारे सुपर बाइक एक साथ देख रहा हूँ। वहाँ से शुरू करते हैं, वो एक हायाबुसा है, निंजा है। उत्साह मत जाइए, जब आपको कोई भी ओवरटेक करके निकल रहा है तो अंदर से आपको आता है ना खलबली के भाई मैं भी उसे ओवरटेक करूँ, तो वो था इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखिए। इसका तो ये नहीं है कि आप छोटे वो बड़ा, ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई मैच से नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। H2 को मिस कर रहा था क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट बाइक ऑफ माइन है H2। ये भाई लोग कस्टम हायाबुसा, बहुत हार्ड है यहाँ पे। अरे अरे